हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फ्रिल वाली स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पेपर कटिंग देखेंगे। तो पेपर कटिंग हमने यहाँ पे ए डबल फोर में पेपर लिया है। ये यहाँ से बंद साइड है, ये देखिए यहाँ से बंद साइड है और ये ओपन साइड है। तो बंद साइड से पहले हम यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन देंगे यहाँ से। तो आपको अगर ज़्यादा फ्रिल बनानी हो तो आप ज़्यादा 4 इंच तक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से 2 इंच पे एक सीधी लाइन दूंगी। अब जितनी आपकी आर्मोल की चौड़ाई है, जब आपका ड्रेस का आर्मोल हो इस तरह से, तो ये जो आर्मोल है ड्रेस का, तो आप इस तरह से नापिए उसको तिरछा। जितना आएगा उसमें यहाँ से 1/2 इंच प्लस कीजिए। तो जितना हमारी आर्मोल है, तो यहाँ से हमने लिया आर्मोल 6.5 इंच, तो उसमें हम 7 इंच 1/2 इंच मिलेंगे और इसके यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम यहाँ से स्लीव की लेंथ लेंगे। स्लीव की लेंथ है 4.5 इंच, तो उसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया, तो 6 इंच है। यहाँ से हम कैप हाइट के लिए 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 1.5 इंच पे एक सीधी लाइन देंगे और यहाँ से 1 इंच पे, तो यहाँ से हम इस तरह से आर्मोल का शेप देंगे और इसमें 1/2 इंच का गैप रखेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से स्लीव की चौड़ाई लेंगे। स्लीव की चौड़ाई है 5 इंच, तो उसमें 1 इंच मिलेंगे, 6 इंच, तो यहाँ से हम तिरछी लाइन देंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे, तो हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। अब इस तरह से इसे सीधा रखेंगे। यहाँ से हमें फ्रंट आर्मोल की कटिंग हो चुकी है यहाँ से, और ये बैक की, और यहाँ से हमारा 1 इंच फोल्ड में जाएगा, 1/2 इंच हमारे यहाँ सिलाई में जाएगा। और ये जो 2 इंच हमने यहाँ से एक्स्ट्रा लिया था, तो इस तरह से हमारे 2 इंच यहाँ से और 2 इंच इधर से, तो 4 इंच की हमारी यहाँ पे फ्रिल बन जाएगी। तो यहाँ पे हम इसे कट लगा देंगे जहाँ से हमें फ्रिल बनानी है। अब इसे हम फैब्रिक पे रख के कट करेंगे। अब हमें पेपर कटिंग को फैब्रिक पे रखेंगे। तो ये मैंने जो फैब्रिक लिया है, ये देखिए डबल फोल्ड में, तो ये राइट साइड मैंने यहाँ पे रखा है, और इसे हम इस पर पेपर कटिंग रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे पिनअप भी कर सकते हैं इस तरह से। अब इसे हम कट कर लेंगे। तब इसे हम पिन को हटा देंगे। ये हमारी दोनों स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब इसे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे जहाँ से हमें फ्रिल बनानी है, उस पर हम निशान लगा देंगे। हमने जहाँ पे निशान लगाया वहाँ हम कट लगा देंगे। अब हमने यहाँ दोनों साइड को कट लगा दिया। अब इनके हम फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल बनाने के लिए हम यहाँ पे इसे हम इस तरह से, ये देखिए इस तरह से पिनअप कर लेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप इसे पिनअप कर ले। अगर चाहे तो इससे बड़ी सिलाई लगा के धागा भी खींच के इसकी फ्रिल बना सकते हैं। इस तरह से हम पिनअप कर लेंगे पहले। तो देखिए हमारे यहाँ पे 4 प्लेटें आ गई, ये देखिए इस तरह से। बाद में हम इसे आयरन कर लेंगे।
ये देखिए हमने यहाँ पे पिन अप कर ली, तो मैंने यहाँ पे चार के जगह ज़्यादा फ्रे कर ली क्योंकि यहाँ पे मैंने बारीक बारीक प्लेटें डाली। इसी तरह मैंने यहाँ नीचे बॉटम की तरफ भी मैं प्लेटें डाल के पिन अप कर ली। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे पिन अप कर लिया इसे। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे, तो सिलाई लगा के इसे ये प्लेट हम सेट कर लेंगे, बाद में हम इसे पाइपिंग लगाएंगे नीचे बॉटम की तरफ। ये देखिए हमने बॉटम की तरफ और ऊपर आर्मर की तरफ सिलाई लगा दी। अभी यहाँ पे हम ये मैंने पट्टी निकाली है, तो 2 इंच चौड़ी लिए और इसे हम यहाँ से सिलाई लगा के अंदर की ओर इसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमने सिलाई लगा दी। अब ये जो हमारी मार्जिन इसे इस तरह करेंगे और यहाँ पे हम इसको फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे इसे। आपको जितनी ब्रॉड बनानी है उतनी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी ये पप स्लीव है तैयार है इस तरह से। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।